हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिया केक्स एंड चॉकलेट्स। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैंने बनाया है ये चॉकलेट फ्लेवर में, रेनबो कलर में केक। तो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो इसमें मैंने सारे कलर यूज़ कर डाले हैं, बटरफ्लाई भी यूज़ किया, ओरियो भी यूज़ किया और फेरारो रोसर जो हमारी फेवरेट चॉकलेट है उसको भी यूज़ किया। तो सबसे पहले हमने ये जो चॉकलेट स्पंज हमारा ये रेडी हो गया है, तो हम इसको डीमोल्ड करेंगे। डीमोल्ड करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले ये मैंने निकाल लिया है आराम से कि ये कहीं हो। और फ्रेंड्स, ये मेरा अभी फ्रेश है बिल्कुल, तो अभी थोड़ा सा बहुत सॉफ्ट भी है, तो इसको बहुत आराम आराम से मैं काट रही हूँ। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर कट गई, अब हम इसकी सेकेंड लेयर कट करेंगे। और फ्रेंड्स, इसको चारों तरफ से घुमा घुमा के काटेंगे, एक साथ नहीं काटेंगे। और मेरा तो ऑलरेडी ये स्पंज एकदम सॉफ्ट है, तो मैं वैसे ही आराम आराम से काट रही हूँ इसको। तो आप देखिए, ये हमारी लेयर्स ये है जो कट हो गई है। अब इसके बाद हम इसकी लेयरिंग करेंगे। क्रम कोटिंग करने के लिए हम सबसे पहले इसमें शुगर सिरप से सोक करेंगे इसको। शुगर सिरप के लिए मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश के साथ में वाटर यूज़ किया है। और उसको सोक करने के बाद हम क्रीम अप्लाई करेंगे। विप क्रीम को अप्लाई करने के बाद हमने कुछ चोको चिप्स और हमारा जो चॉकलेट गनाश है उसको यूज़ किया है। उसके बाद स्प्रेड करने के बाद हम इसकी सेकेंड लेयर करेंगे। और इसमें जब सेकेंड लेयर लगाएंगे तो साइड साइड में हम जो इसके कॉर्नर में है उसको भी लगाते जाएंगे, जिससे हमारा जो क्रम कोटिंग करते समय हमारा स्पंज जो है वो इधर से उधर ना हिले। तो इसके लिए हमने उसको कर दिया। अब हम इसके बाद इसकी सेकेंड लेयर करेंगे। सेकेंड लेयर करने के लिए भी हम सेम प्रोसेस करेंगे जो हमने इसकी फर्स्ट लेयर की थी, जैसे वैसे सेम प्रोसेस इसकी सेकेंड लेयर की भी करेंगे। सबसे पहले क्रीम लगाएंगे, गनाश स्प्रेड करेंगे और हमारे जो चोको चिप्स है जो ऑल सबके फेवरेट होते हैं वो हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम इसकी थर्ड लेयर जो हमारी लास्ट लेयर है उसको ऐड लगा देंगे। इसमें अभी मैंने इसका जो बटर पेपर निकाला नहीं था, ये मैंने लास्ट में निकाल दिया। और फ्रेंड्स, ये मेरा स्पंज जो है एकदम सॉफ्ट है, तो मैंने इसमें जो सोकिंग है वो बहुत कम की है। ये ऑलरेडी इतना सॉफ्ट है कि ये काटते काटते ही टूट ना जाए। इसके लिए हम इसमें अभी फ्रेश है एकदम, तो इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा ही वाटर से सोकिंग करेंगे। अब ये हमारी क्रम कोटिंग करेंगे इसके लिए। अब ये हमारी क्रम कोटिंग हो रही है फ्रेंड्स। क्रम कोटिंग करने के लिए हम थोड़ी थोड़ी ही क्रीम यूज़ करेंगे। अब ये हमारी हाफ एन आवर इसको क्रम कोटिंग करने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने के बाद हम जब उसको फिर से निकालेंगे, जब वो सेट हो जाएगा, फिर इसके बाद हम इसकी फाइनल आइसिंग करेंगे। तो फाइनल आइसिंग के लिए भी मैंने वाइट कलर, उसमें कोई भी कलर यूज़ नहीं किया फ्रेंड्स। अगर मुझे चूज़ करने के लिए बोला जाता है तो मैं जनरली कोशिश करती हूँ कि वाइट कलर की क्रीम ही रखूँ, उसमें कलर नहीं ऐड करूँ, जो भी है उसमें ऊपर साइड से ही यूज़ करूँ। तो ये देखिए, मैंने रेनबो कलर थोड़े थोड़े क्रीम में डाल के एक साथ एक ही पाइपिंग बैग में कलर करके, मेरा थोड़ा सा यहाँ वीडियो ऑफ था, मैंने देखा नहीं था। और ये मेरे मैंने बॉर्डर बना लिया है। इसके बाद हम N1 नोजल से जो हमारा रोजेट बनाएंगे, रोजेट बनाने के बाद हम अपने ओरियो सेट करेंगे। ओरियो के बाद हम ये हमारी चॉकलेट जो है फरारो रोसर उसको हम सेट करेंगे, ये हमारे चारों तरफ। इसके बाद हम अपना नोजल वर्क करेंगे, इसमें स्टार बना देंगे चारों तरफ। तो ये हमारा कहीं से भी एकदम इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है कि हमारा ये वाइट कलर का केक है। और फ्रेंड्स, देखिए आप कि इसमें आप कहीं से ना आपको ज़्यादा कलर का क्रीम कलर का भी यूज़ नहीं हुआ है, तो इतना ज़्यादा आपको वो कलर का भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो ये देखिए, हमारा रेनबो कलर का केक भी हो गया है। और ये हमने चारों तरफ से छोटे छोटे रोजेट भी बना दिए केक के चारों तरफ। और इसके बाद हम इसमें गोल्डन पर्ल्स भी यूज़ करेंगे। तो ये हम इसके बाद जो ये हमारा बनने के बाद ये हमने कुछ बटरफ्लाई, ये हमारा टैग लग गया और हमने गोल्डन स्प्रिंकल्स भी ऐड कर दिए। तो फ्रेंड्स, ये मेरा बनाया केक आपको कैसा लगा? प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और कमेंट ज़रूर करिए फ्रेंड्स। इससे मुझे पता चलेगा कि मैं जो बना रही हूँ वो सही है कि नहीं है, आपको पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, एक लाइक कर दीजिए तो मुझे मोटिवेशन होता है। प्लीज़, थैंक यू।